हेलो दोस्तों नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अड्डा 247 पे। गाइज आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों, मस्त होंगे और फटाफट आ जाइए, उस सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। और सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। कैसे हैं आप सभी? आप सभी के कुछ बहुत सारे दोस्तों के इसमें एग्ज़ाम भी होगा। आप सभी अपनी प्रिपरेशन को आई होप कि अच्छे से कर रहे होंगे अपनी। और दोस्तों इस बार एनी हाउ कुछ भी करके कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है हम लोगों ने, हम लोगों ने मतलब आप सभी को, ठीक है। हाय अंजलि, हाय स्नेहल, रुचिका, राकेश, निखिल भाई, श्वेता, मोनालिसा, रोहन, वेरी वेरी गुड इवनिंग बच्चे। हाय हेलो सबको, आ जाओ दोस्तों, फटाफट सेशन को ज्वाइन करो बिना लेट किए हुए, ठीक है। गुड इवनिंग प्रदीप भाई, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाय वीसी, प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे, क्या हाल चाल? हाय दिसाले, प्रदन्या, ओके दिसाले मैम, ऐसे बोलना बेहतर रहेगा आपका नाम। अच्छे बच्चे, अच्छे, आप बताओ कैसे हो? सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना सेशन बिना लेट किए हुए। एंड दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा हम लोग डेली बात करते हैं। गाइस प्लीज़ 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 फटाफट एक बार इस सेशन को शेयर कर दो आप सभी। और गाइस सेशन को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने, एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा गाइज। और आपको बता दें, और दोस्तों एक चीज़ और, जैसा कि हम लोग डेली बात कर रहे हैं कि भैया आपको अड्डा लेके आ रहा है 77% का ऑफ सभी स्टडी मटेरियल के ऊपर गाइज, ठीक है। 77% का ऑफ सभी स्टडी मटेरियल पर प्लस डबल वैलिडिटी। सो गाइज जिनको जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको एक कहते हैं सही मार्गदर्शन या फिर एक कर सकते हो गाइडेंस के लिए, सो गाइस फटाफट ज्वाइन कर ले। और आपको बता दें जो 6 मंथ का ज्वाइन करेगा इस प्रेजेंट टाइम पे तो उनको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाला, जस्ट डबल। गाइस जो 12 महीने का उसको 12 महीने का एक्स्ट्रा, ठीक है। और पहाड़ी वाले बाबा, हर हर महादेव सर, महादेव। और कोई नहीं विवेक, फिर कभी आना, फिर से मिलेंगे हम आपसे, ठीक है। हाय नैना, हेलो। सो गाइस आ गए सब लोग। और दोस्तों आपको याद करना है ये कोड, आपको याद करना है Y307। गाइज आप सभी को याद करना है Y307, क्लियर है? ओके, हेलो निहारिका मैम, हेलो, हाय, ठीक है। सो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और एक चीज़ और बता दें, चलते चलते एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं भैया, बैंक का महापैक। अगर आप बैंक के महापैक लेते हो तो यहाँ पे आपका GBO चाहे स्किल 2 स्किल 3 यानी जनरल बैंकिंग ऑफिसर और नाबार्ड, ये दोनों इंक्लूडेड है गाइज, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपका RRBPO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क सभी के बैच अवेलेबल है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो गाइज बैंक महापैक आप प्रिफर कर सकते हो Y307 लगा के, ठीक है। सो गाइज आते हैं पहले क्वेश्चन क्यों, मूव करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन है वे, अरे यार क्या काट लिया यार, अच्छा कुछ और है, कुछ काटा वाटा नहीं, कुछ चुभा है, मेरे को लगा कि कुछ काट लिया। अब क्या, अभी भागना पड़ेगा, ठीक है। वेयर इज द शहीद अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश? गाइज फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। RRB का, RRB रीजनल रूरल बैंक, स्किल 2 स्किल 3 विवेक। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा। वेयर इज द शहीद अशफाक उल्लाह खान? गाइस वेयर इज द, राम राम धीरज भाई, राम भाई क्या हाल चाल, कैसे हो? और रोशनी का जवाब आ रहा है गोरखपुर, राघव मीना का जवाब आ रहा है गोरखपुर यानी B। ओके गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा। हाय शिव जी सर, कैसे हैं आप? गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा। अशफाक उल्लाह खान जूलॉजिकल पार्क इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, इनमें से कहां पर? और गाइस अशफाक उल्लाह खान, और गाइस सर आज आप मोटे लग रहे हो, अच्छा मोटे लग रहे हैं, ऐसे कैसे जी, ठीक है। वेरी गुड गाइज, सुपर्ब। जी हाँ दोस्तों गोरखपुर, गाइज करेक्ट आंसर इज गोरखपुर। गाइज एक चीज और याद करना, यूपी की बात की गई तो आप यूपी से कुछ चीजें लेके चलना है दोस्तों। यूपी में याद रखना गाइज, इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां लगाया जा रहा है? आपको लगा जवाब देना है, हम बोलते चल रहे हैं आप बताते चलो गाइज, फिर आपको बोलेंगे गाइज। इंडिया का पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, गाइज वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां ओपन किया गया है? सो गाइज ये भी जवाब देना है। रोहन सर चूहा नहीं है, कुछ और ही है, हमको लग रहा है वो एक्चुअली में कील निकला हुआ था तो वो चुभ गया पैर में, मेरे को लगा कुछ काटा क्या, आप तो भागे हैं भाई, सांप वाप हो तो भागे यहाँ से। वैसे सांप तो आएगा नहीं बिल्डिंग में यार, बसरते फिर भी वो होता नहीं यार, डर जाते हैं यार इंसान, हम भी हैं गाइज। और एक आता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो जो आप जवाब दे रहे हो वही है भैया, एग्जैक्टली, ठीक है गाइज। इतना ही नहीं, आपको जवाब देना है भैया किसका, तो हजरतगंज गाइज, हजरतगंज चौराहा का नाम बदल के क्या रखा गया? गाइस हजरतगंज चौराहा, दोस्तों हजरतगंज चौराहे का नाम बदल के क्या रखा गया? और सबसे बड़ी बात इकाना स्टेडियम, गाइस इस इकाना स्टेडियम का नाम रीनेम करके क्या रखा गया? फटाफट जवाब दे दो जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर्ब। कुशीनगर, गाइज याद रखना यहां पे सुनते चलना, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कुशीनगर, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर, गाइज वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहां लगाया जा रहा है गाइज? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश। इकाना स्टेडियम का नाम क्या रखा गया? तो आपको बता दें अटल स्टेडियम, गाइज अटल स्टेडियम। दोस्तों हजरतगंज का नाम क्या हो गया है? अटल चौक, ठीक है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, गाइस आपको याद रखना। और इसका ट्रिक याद रखना दोस्तों, एक चीज और यहां से क्या, तो गाइस इसका ट्रिक ऐसे आके यहां के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, तो गाइस आपको याद रखना है क्या, तो भैया ऐसे याद रखना कि कौन यूपी में दूध बेचने गई, गाइस यूपी में दूध बेचने गई, कौन यूपी में दूध बेचने गया? सो गाइस आपको याद रखना चंद्रप्रभा, आपको याद रखना चंद्रप्रभा यूपी में, यूपी के हस्तिनापुर में, दूध बेचने गई। सो गाइस आपको याद रखना है चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में दूध बेचने गई। सो गाइस चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश इज द स्टेट, गाइज यहां पे याद रखना इस स्टेट के बारे में बोला गया। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गाइज दूध से हो गया दुधवा नेशनल पार्क। ये सब के सब कहां पे है गाइज? तो आपको याद रखना यूपी स्टेट में। सो गाइज इतनी बातें आपको याद रखना। एग्जैक्टली शिव सर, बनाना फेस्टिवल, गाइज याद रखना बनाना फेस्टिवल ऑब्जर्व करवाया जाता है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। गाइज याद रखना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में ही बनाना फेस्टिवल ऑब्जर्व करवाया जाता है। गाइज एक चीज और याद रखना, यूपी के कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन किया गया, जिसका इनॉग्रेशन मोदी जी ने खुद किया है। दोस्तों मोदी जी ने खुद किया है। तो अभी में उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए, और आपके कौन है, एक है लखनऊ, एक है वाराणसी और एक है कुशीनगर, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा ये, व्हिच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट रन एम्बुलेंस नेटवर्क फॉर एनिमल्स? सो गाइस इसका जवाब दीजिएगा। एग्जैक्टली सुधीर भाई, आपको ऐसे याद रखना चंद्रप्रभा यूपी के हस्तिनापुर में दूध बेचने गई। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यूपी से यूपी स्टेट के बारे में बोला जा रहा है, और दूध से गाइस याद रखना दुधवा नेशनल पार्क। एग्जैक्टली जीवन सर, खादी एग्जीबिशन KVIC वाराणसी, हम तो बताना भूल ही गए, कोई नहीं। रुद्राक्ष अभी यहाँ पे सेंटर भी ओपन किया गया, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इसको। जेवर एयरपोर्ट अभी बन रहा है, लखनऊ में नहीं होगा, लखनऊ में नहीं है जेवर एयरपोर्ट, आपको याद रखना। यहां पर भी आपको याद रखना गाइस, जेवर एयरपोर्ट कहां पर है? ग्रेटर नोएडा में, गाइस याद रखना, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों फटाफट जवाब दीजिएगा इसका। पहला गाइस, पहला किस राज्य में जानवरों के लिए भारत का पहला भारत सरकार का द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क जो जानवरों के लिए स्टार्ट किया गया दोस्तों, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? और गाइस यहां पे सही जवाब आ रहा है लोगों के, आंध्र प्रदेश। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। गाइस आपको पता होगा YSR, जितने भी स्कीम के नाम के आगे YSR वर्ड ऐड हो जाए आपको याद रखना गाइस, वो कहां चला जाएगा? आंध्र प्रदेश। गाइस आपको याद रखना जगनमोहन रेड्डी, कौन है भैया? जगनमोहन रेड्डी इज द CM ऑफ आंध्र प्रदेश। गाइस यहां के गवर्नर कौन है? तो भैया गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। सो गाइस आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। और गाइस एक चीज और याद रखना, आप सभी लोगों ने आंध्र प्रदेश की बात आई तो यहां पे टाइगर रिजर्व याद रखना दोस्तों, एक टाइगर रिजर्व है बड़ा फेमस है, उसका जवाब देना आप लोगों ने। और गाइस यहां पे फेस्टिवल ऑब्जर्व करवाया जाता है, एक है लुम्बिनी फेस्टिवल, और एक है गाइस फ्लैमिंगो फेस्टिवल, कौन सा मेरे दोस्तों? फ्लैमिंगो फेस्टिवल। सो गाइज आपको इतनी बातें याद रखनी है यहां से, फ्लैमिंगो और लुम्बिनी, ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है। गाइज एक चीज और याद रखना आप सभी लोगों ने, क्या आंध्र प्रदेश की बात आई गाइज, आंध्र प्रदेश की बात आई तो भैया आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क, और फोक डांस, और भैया यहां के फोक डांस। तो ऐसे याद रखना ट्रिक, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, ठीक है, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई, तो अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश, कच्ची पूरी से हो गया कुच्ची पूरी। सो गाइस आपको यह भी याद रखना है, अंधेरे में कच्ची पूरी खाई तो अंधेरे से आंध्र प्रदेश और कच्ची पूरी से कुच्ची पूरी। एग्जैक्टली सुधीर सर, यहां पे देखो गाइस वेरी गुड, बहुत अच्छे, हेड्स ऑफ सभी को। क्यों? क्योंकि आप सभी यहां पे कमेंट शेयर कर रहे हो एक दूसरे से, और गाइस कमेंट लोगों का पढ़ते चलो क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बोली जा रही हैं। जैसे यहां पे बोला गया, किसी ने जवाब दिया, सुधीर शर्मा सर ने बोला है कलिंगा प्राइज दिया गया भैया विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। सो गाइस याद रखना कलिंगा प्राइज, कलिंगा अवार्ड ऐसे याद रखना, कलिंगा अवार्ड साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन गाइस अभी कलिंगा प्राइज या अवार्ड दिया गया किसको, तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को। यह भी याद रखना, कुचिपुड़ी यहां का डांस फॉर्म है, यह भी याद रखना गाइस आप सभी लोगों ने। ठीक है, एग्जैक्टली आंध्र प्रदेश, कल्याणी, वेरी गुड, सुपर। वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क पपिकोंडलू या पपिकोंडा या पपिकोंडलू ऐसे पढ़ते ना नेशनल पार्क। एग्जैक्टली श्वेता, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। गाइज आप सभी जानते होंगे और आप सभी वैकेंसी भी देखा होगा आप लोगों ने इसका, क्या गाइज, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर कौन अपॉइंट किया गया है, हु इज द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गाइस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये AA है एक अलग, और एक गाइस एक ये है AA, दो AA वर्ड यूज होते हैं गाइस, एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एक है आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है गाइस, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया और गाइज एक है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गाइज आर्चरी तिरंदाजी की बात करें तो तिरंदाजी के अध्यक्ष कौन है, बिरसा मुंडा। कौन है दोस्तों, बिरसा मुंडा। ये याद रखना तिरंदाजी वाले, आर्चरी वाले। और गाइज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें मेरे दोस्तों तो इट्स करेक्ट आंसर इज क्या होगा, संजीव कुमार साहब। एग्जैक्टली गाइज वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब, वेरी वेरी गुड, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट गाइज। राहुल, प्रसाद, निखिल, राकेश, गीतांजलि, हरिनाथ, सिमरन, मोन्टू सर, वेरी गुड, बहुत अच्छी, क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइज, या एग्जैक्टली विवेक, दो एयरपोर्ट अथॉरिटी, दो AA वर्ड यूज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। एग्जैक्टली गाइज एक चीज और याद रखना आप सभी लोगों ने, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अब आपको पता होगा अडानी, गाइज अडानी ग्रुप ने कितने एयरपोर्ट को एक्वायर किया है। गाइज अडानी ग्रुप ने अभी रिसेंटली में कितने एयरपोर्ट को एक्वायर कर लिया है, इसका भी आपको जवाब देना है। और श्वेता मैम वहीं पहुंच रहे हैं बच्चे, वहीं पहुंच रहे हैं बस। और गाइज सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है दोस्तों, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके पास है। सो गाइज आपको याद रखना है सिविल एविएशन है ज्योतिरादित्य सिंधिया। एग्जैक्टली ज्योतिरादित्य सिंधिया। और रुचिका मैम अर्जुन, सॉरी यार बिरसा मुंडा हमने लिख दिया भाई यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बिरसा मुंडा जिंदा कर दिए हम, सॉरी। इट्स करेक्ट आंसर इज अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा, इट्स नॉट बिरसा मुंडा, सॉरी सॉरी, अर्जुन मुंडा होंगे, इट्स नॉट बिरसा मुंडा यार। हाँ बिरसा मुंडा मतलब होता है ना भावनाओं में, बाकी बिरसा मुंडा को एक्चुअली में ये भगवान माने जाते हैं उन जनजातियों के जो झारखंड, जैसे झारखंड में रहते हैं कुछ जनजातियों के, इनको पूजा जाता है इनको भगवान के तौर पर। सो गाइस आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। एग्जैक्टली वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोची, अहमदाबाद, जयपुर को ऑलरेडी इन्होंने ले रखा है और सिंधिया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर ये। गाइस सेशन को शेयर कर दो, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए एक बारी ताबड़तोड़ तरीके से, 200 के पार हो जाए एटलीस्ट। ठीक है, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड इन द वर्ल्ड टू पास अ लेजिस्लेशन गिविंग मदर्स एंड देयर पार्टनर्स द राइट टू पेड लीव फॉलोइंग अ मिसकैरेज और स्टिल बर्थ। गाइस ये बिल्कुल अलग है। हाँ अरे वही जीवन भाई, वही भावनाओं में बह गए थे, भूल चुक लेनी देनी यार। ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस, इनमें से किस देश ने गर्भपात या मृत जन्म के बाद माताओं और उनके यानी पार्टनर यानी कि उसके हस्बैंड, ठीक है, को एक छुट्टी यानी अवकाश का अधिकार देने वाला कानून पारित करने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। यूके, न्यूजीलैंड, मॉरिशस, सिंगापुर या नॉन ऑफ द अबव। और गाइस अभी रिसेंटली में आया है जसिंडा आर्डेन की गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने डिसीजन लिया। गाइस जसिंडा आर्डेन दोस्तों आपको याद करें, इट्स करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। तो आपको याद करें दोस्तों न्यूजीलैंड इज द करेक्ट आंसर। या सुपर सुपर, वेरी गुड, एग्जैक्टली गाइस कैपिटल इज वेलिंगटन। दोस्तों आपको पता ही होगा यहां के बारे में। सो गाइस आपको याद करना, सेकंड टर्म में आई हैं कौन, जसिंडा आर्डेन। दोस्तों आपको याद रखना है एक चीज और याद रखना, अभी दो जगह की प्राइम मिनिस्टर फीमेल हैं, ठीक है। सो गाइस आपको फटाफट याद रखना है। और दोस्तों एक चीज और याद रखना, जसिंडा आर्डेन की बात करें प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की। और अभी फिनलैंड का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर कौन है, सना मरीन है। कौन है, सना मरीन। सो दोस्तों ये भी फीमेल है, आपको याद रखना है। यहाँ की भी प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डेन और यहाँ पे सना मरीन। सो गाइज आपको याद रखना है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन अपना रहा ये गर्ल गैंग। गाइज कल किसी ने कमेंट में बताया था कि हमने जब ठीक है, अरे यार रवि सर क्या होता है, अगर कोई फीमेल है या कोई लेडी है, अगर बच्चा हुआ है यानी कि बच्चा मर जाता है या मिसकैरेज हो जाता है या बच्चा मृत पैदा होता है तो छुट्टी मिलेगा उनको, अगर जॉब कर रहे हैं तो। वो किस कंट्री ने किया है, तो अभी न्यूजीलैंड ने किया है। अच्छा अगला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा गाइस। गर्ल गैंग अनाउंस्ड एज ऑफिशियल सॉन्ग ऑफ आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 इज संग बाय होम। सो गाइस इसका जवाब दीजिएगा फटाफट, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, किसके द्वारा गाया गया। और क्वेश्चन यहां पे ये है, मुद्दे की बात यहां पर ये है गाइस क्या, कि आईसीसी वुमेन्स, गाइस आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप, दोस्तों आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है। गाइस कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। गाइस आईसीसी वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, गाइस जवाब दीजिएगा। गिन विगमोरे, जैसन ऑलन, ब्रुक फ्रेजर या होली स्मिथ। और इट्स करेक्ट आंसर इज गिन विगमोरे। गाइस गर्ल गैंग आपको याद रखना है, गर्ल गैंग ये न्यूज में है होगा गाइस, आने वाले टाइम पर ये हाईलाइट होने वाला है। जैसे दोस्तों अभी टोक्यो ओलंपिक में दो लोगों के नाम आए, एक है मोहित चौहान और एक गाइस ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान वाला सॉन्ग कंपोज किया था ए.आर. रहमान ने, लेकिन गाया है किसने, तो अनन्या, क्या नाम था, अनन्या बिरला, ऐसे कुछ करके नाम है ना, तो याद रखना दोस्तों। और मोहित चौहान ने खुद गाया था, ठीक है गाइस, क्लियर है ये चीज। एग्जैक्टली, वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, इट्स करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन रहा ये, विथ बिहार सेट टू बिकम कंट्रीज, गाइस विथ बिहार सेट टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन्स, द टाउन्स वुड बी, गाइस ये टाउन अनन्या बिरला या। सो गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। विथ बिहार सेट टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट स्टेट टू हैव 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन। सो गाइस इसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से, बिना कुछ इफबट किए हुए। भैया बिहार की बात आई तो बिहार आपको पता होगा, पटना, सीएम नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, नीतीश कुमार और फागू चौहान, कौन है, फागू चौहान। सो गाइस आपको याद रखना है ये चीज। और दोस्तों एक चीज और याद रखना आप लोगों ने, प्यार का पौधा कैंपेन, प्यार का पौधा। सो गाइस ये कैंपेन किसने लॉन्च किया, नीतीश कुमार ने। और दोस्तों एक चीज और याद रखना आप सभी लोगों ने, आप सभी को याद रखना है क्या गाइस, अभी डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, गाइस डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ओपन किया जा रहा है पटना यूनिवर्सिटी के प्रेमाइसिस में, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में। और इसका आंसर क्या है, राजगीर एंड बोधगया, गाइस राजगीर एंड बोधगया, ये आपको याद रखना है। दोस्तों यहां पे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, क्या नाम है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो पश्चिमी चंपारण जिले में है। दोस्तों याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नेशनल पार्क। सो गाइज आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी बिहार से। गाइज बिहार की बात आई तो बिहार का फोक डांस अगर हम बात करें तो गाइज कुछ लोग बोलेंगे सर जट जाटिन, कुछ लोगों का जवाब आएगा जट जाटिन, क्या जवाब आएगा, जट जाटिन। गाइज आपको बता दें बिहार का फोक डांस एक और आएगा आपका, तो आपको याद रखना है विदसिया, क्या होगा, विदसिया इज द फोक डांस ऑफ बिहार। गाइज ये भी याद रखना। और सुधीर शर्मा सर क्या बात है मेरे दोस्त, कलरव, गाइज आपको याद रखना है कलरव। गाइज इतना टाइम नहीं बचा, हम लोग अलग अलग अपडेट कर सके, इसी के साथ डिस्कस करते चलते हैं। गाइज कलरव बर्ड फेस्टिवल, गाइस कलरव बर्ड फेस्टिवल, इसका नाम दिया गया कलरव। सो गाइस आपको बता दें कलरव बर्ड फेस्टिवल किस बर्ड सेंचुरी में ऑब्जर्व करवाया जा रहा है, नागी नटकी, याद रखिएगा दोस्तों, नागी नटकी बर्ड सेंचुरी, याद रखिएगा। गाइस यहां पर आपको ये याद रखना है, ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये सारी चीजें यहां से, विदसिया और जट जाटिन। गाइज ये ध्यान रखना आप सभी लोगों ने इतनी चीजें। कलरव बर्ड फेस्टिवल का नाम रखा है, जैसे फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल है और आंध्र प्रदेश में, वैसे गाइज कलरव भी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन गाइस, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती हु पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। गाइस कमलेश चंद्र चक्रवर्ती का भी निधन हो गया दोस्तों, ये इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से या किस संगठन से संबंधित थे दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस जल्दी जल्दी। आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, नेस्कॉम या नॉन ऑफ द एबव। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा। एग्जैक्टली राकेश भाई, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। बिहार तो जीआई टैग में बहुत सारे नाम आते हैं गाइस, बिहार में जीआई टैग बहुत सारी चीजों को मिला है। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मगही पान, मगही पान को जीआई टैग मिला है बिहार, सुनते चलना दोस्तों बिहार। सिलाव खाजा एक मिठाई है, इसको मिला है। कतरनी राइस, गैस कतरनी राइस को जीआई टैग मिला है, ठीक है। लक्ष्मण भोग आम, गैस लक्ष्मण भोग आम, नहीं लक्ष्मण भोग को नहीं यार, जर्दालू आम को मिला, सॉरी लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल को गया। जर्दालू आम, गैस जर्दालू मैंगो को जीआई टैग मिला है। फिर गैस जीआई टैग किसको मिला है, फिर आपको आता है शाही लीची को जीआई टैग मिला है, शाही लीची को जीआई टैग मिला है। सो दोस्तों ये चीजें तो आपको याद रखनी है। और गाइज वेरी गुड, इट्स करेक्ट आंसर इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे दोस्तों। कौन, तो आपको याद रखना है कमलेश चंद्र चक्रवर्ती साहब। सो गाइज आपको ये याद रखना है, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती साहब आपको याद रखना आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे दोस्तों, जिनका भी रिसेंटली में निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइज, ये जवाब दो गाइज। F1 ग्रैंड प्रिक्स की बात करें, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आता ही है दोस्तों। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 में टोटल गाइज याद रखिएगा, 2021 में टोटल 10 ग्रैंड प्रिक्स हुए थे। टोटल कितने ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं, तो गाइज टोटल अब तक 10 ग्रैंड प्रिक्स हुए गाइज, याद रखिएगा 2021 में गाइज। और 2021 में टोटल 10 हुए हैं और याद रखिएगा गाइज, जिसमें से 4 लुइस हैमिल्टन, 5 मैक्स वर्स्टैपन। अभी आवाज आ रही है सबको? अभी क्लियर है गाइस, यस और नो? क्लियर है दोस्तों, यस और नो में जवाब दे दो भाई, फटाफट जवाब दे दो सबके सब लोग। ओके ओके, सो गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी। ओके ओके, अरे यार हम तो टेंशन में आ गए थे कि चलेगा भी कि नहीं यार। चलो फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस जल्दी जल्दी, ठीक है ग्रेट। सो इसका आंसर दो आप सभी फटाफट जल्दी जल्दी। क्या बात है मरुदापन, वेरी गुड गाइस, इट्स करेक्ट आंसर। आपको इसका आंसर बता दें, इसका आंसर होगा आपका लुइस हैमिल्टन। गाइस लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन से, आपको पता होगा ब्रिटिश ड्राइवर है, और किस कंपनी का ड्राइवर है ये भी बताना आप लोगों को। गाइस लुइस हैमिल्टन किसके साथ, मर्सिडीज। सो आपको याद रखना है मर्सिडीज दोस्तों, ये याद रखना है। मैक्स वर्स्टैपन रेडबुल का है दोस्तों, रेडबुल का ड्राइवर कहां से, नीदरलैंड से, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा ये, विच स्टेट यूटी हैज बिकम द थर्ड इन द कंट्री टू अचीव 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज। गाइस जवाब दीजिएगा इसका, विच स्टेट या यूटी हैज बिकम द थर्ड इन द कंट्री टू अचीव 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज। गाइस कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100% कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन कवरेज हासिल करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। सो गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा इसका आंसर जल्दी जल्दी। भगवान सिंह राजपूत सर आप ऐप पर जाओ, ऐप पर जाओ या फिर स्टोर पर यानी वेबसाइट पे चले जाओ Adda247 पर, वहां पे जाके आप बैंक महापैक जितने मंथ का आपको लेना है वो देख लो और वहां पे कोड अप्लाई कर लेना Y307 और आप ले सकते हो वहां से जाके। ठीक है, एग्जैक्टली गाइज, इट्स करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो गाइज जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा फंस गया था, थोड़ा लेट हो गया, फटाफट देखते हैं, 5 मिनट इसी में चले गए हम लोग के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए गाइज, हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर of Unique Identification Authority of India? Guys, UIDAI के guys नए CEO कौन बनाए गए? दोस्तों UIDAI आपको पता होगा, आधार कार्ड आपको पता होगा, आधार कार्ड गाइज आपको बताना है हाउ मेनी डिजिट इन आधार नंबर। दोस्तों आधार में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट होते हैं, और पैन में कितने डिजिट होते हैं? गाइज पैन आप आसानी से समझ सकते हो पैन इंडिविजुअल है या नहीं, क्योंकि आपका जो पैन नंबर होता है, जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है, उसमें जो 5वां डिजिट होता है वो आपके सरनेम का पहला क्या होगा, लेटर होगा। सो गाइज आपको ये याद रखना है, ठीक है, और इट्स करेक्ट आंसर इज सौरभ गर्ग। जी हां दोस्तों, एग्जैक्टली आपको याद रखना है, सौरभ गर्ग साहब को यूआईडीएआई का सीईओ अपॉइंट किया गया। आधार 12 डिजिट का और पैन 10 डिजिट का होता है गाइस, पैन 10 डिजिट का, आधार 12 डिजिट का होता है। जो 5वां डिजिट होगा आपका वो आपके सरनेम का पहला लेटर होगा गाइज, ये याद रखना आप लोगों ने। जैसे हम लिखते हैं वैभव श्रीवास्तव, तो गाइज आपको बता दें एस मेरा होगा, यानी कि मेरा 5वां डिजिट क्या हो जाएगा, एस। अगर कुमार लिखते तो के हो जाता, केवल वैभव होता तो वी होता। सो गाइज याद रखना, ये इंडिविजुअल की सबसे बड़ी पहचान होती है, याद रखना। इससे चाइना पैन 8 डिजिट का नहीं होता, टोटल 10 डिजिट का होता है बच्चे, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है गाइज, क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। आप नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन को चलते हैं गाइज। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च्ड व्हिच इनिशिएटिव इन परस्यूट ऑफ टीबी मुक्त भारत? गाइज टीबी मुक्त भारत के लिए इनमें से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया और आपको जवाब देना है। इंडियन गवर्नमेंट टीबी मुक्त कब होने के लिए टारगेट कर रखा है? गाइज इंडियन गवर्नमेंट टीबी मुक्त कब, यानी किस ईयर तक का टारगेट है टीबी मुक्त होने का? गाइज एनीवन कोई जवाब दे कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त होने का वादा किया है कि इंडिया पूरी तरीके से टीबी मुक्त हो जाएगा। और गाइज WHO ने बोला है 2025 तक पूरी तरीके से पूरे विश्व से टीबी खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो गाइज आपको जवाब देना है, इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हाय हेम्स बेसु मतारी, ओके, हाय हेलो सर। गाइज इट्स पहले यहां तो इनिशिएटिव याद रखना, ट्राइबल टीबी इनिशिएटिव दोस्तों ये याद रखना। और इंडियन गवर्नमेंट ने गाइज WHO ने 2025 तक बोला है। गाइज WHO ने 2025 तक, इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 तक बोला है। एक बार चेक कर लेना जहां तक है, इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 तक और WHO ने 2025 तक बोला है। गाइज याद रखना, इंडियन गवर्नमेंट ने 2023 तक और WHO ने बोला है 2025 तक। गाइज याद रखिएगा ये सब। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा ये, द लिमिट फॉर टैक्स एग्जम्पशन ऑन इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज इज रेज्ड टू हाउ मच अमाउंट फ्रॉम प्रेजेंट 2.5 लाख? ठीक है, सो गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा जल्दी से ली। श्वेता तिवारी मैम आपको इसके लिए आप लाइव क्लासेस परचेस करने पड़ेंगे बेटा, क्योंकि यहां पर जो होगा वो आपको हमेशा मिड ही लगेगा श्वेता तिवारी मैम। सो बच्चे यहां पे जहां तक श्वेता मैम मेरी बात सुन रहे हो आप, एग्जैक्टली सिखा। गाइस दिलीप सर का जवाब आ रहा है 5 लाख। गाइस प्रोविडेंट फंड की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग भविष्य निधि, क्या बोलते हैं, भविष्य निधि। गाइस प्रोविडेंट फंड 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप का होता है प्रोविडेंट फंड। 4 टाइप के कौन कौन से? सो दोस्तों याद रखना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एक होता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और एक होता है स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड। सो गाइज आपको बता दें रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। एसपीएफ जिसको जीपीएफ के नाम से भी जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं स्टैचुटरी प्रोविडेंट फंड को। और गाइस पीपीएफ को बोलते हैं हम लोग क्या, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हम और आप कोई भी करा सकता है, जरूरी नहीं नौकरी कर रहा हो। ठीक है, हाय कोमल मैम, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। और हर्षिता श्रीवास्तव, बैंकिंग अवेयरनेस कैसे प्रिपेयर, न्यू टू बैंकिंग। हर्षिता मैम, आपको भी बैंकिंग के लिए बेसिक से आप वीडियोस, पुराने वीडियोस देख सकते हो बच्चे, बिल्कुल पहले क्लास से हम लोगों ने स्टार्ट किया, वहां पे जाके देख सकते हो। और गाइस दैट्स करेक्ट आंसर इज यहाँ पे 5 लाख। दोस्तों याद रखना, कंट्रीब्यूशन पे पहले इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता था। अब गाइस टैक्स 2.5 लाख के ऊपर लगता था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख। अब 5 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं देना होगा आपको, किसके ऊपर, तो पीएफ से जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, आपके मम्मी पापा भैया भाभी दादा दादी नाना नानी जो भी है, याद रखिएगा गाइज ये सब। एग्जैक्टली पीपीएफ का 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, ठीक है, 15 साल से पहले इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। हाय भानु सर, हेलो, हाय, कैसे है सर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, विश्व क्षय रोग दिवस, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। गाइस इसका जवाब देना, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। गाइस इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। ट्यूबरकुलोसिस डे इनमें से किस दिन ऑब्जर्व करवाया जाता है दोस्तों, फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस। ट्यूबरकुलोसिस डे, हर्षिता मैम शो बता सकते हैं, लेकिन बच्चे आपको अभी यहाँ पे नहीं, किसी और क्लास में बता देंगे। अभी एक्चुअली में क्लास हो रही है, हम आपको बता देंगे, ठीक है, प्रॉमिस है इस बात का। आप बाबू आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पे हमने एक स्ट्रेटजी की क्लासेस भी ले रखी है, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फटाफट जवाब दीजिएगा। और गाइज दैट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, द क्लॉक इज टिकिंग। गाइज द क्लॉक इज टिकिंग, ये याद रखना। वेरी गुड गाइज, सुपर्ब, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों, ग्रेट, वेरी गुड। अच्छा कोई ये जवाब दे, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे किस दिन ऑब्जर्व, किस डे ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, इसके किस दिन मनाया जाता है ये, ठीक है, किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है गाइस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। आपको जवाब दे रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन रहा ये गाइस, नियो इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक लॉन्च नियो एक्स। गाइस नियो इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक, किस बैंक के साथ लॉन्च किया इसने नियो एक्स नाम का। गाइस फटाफट जवाब दे देगा। ट्यूबरकुलोसिस 25 मार्च, इसका का जवाब आ रहा है 25 मार्च, या फिर वेरी गुड, सुपर्ब 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 सुपर्ब, यहां पे जवाब 24 मार्च आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी, ग्रेट गाइस, या इट्स करेक्ट आंसर इज 24 मार्च, 24 मार्च को ऑब्जर्व करवाया जाता है गाइस ट्यूबरकुलोसिस डे। और गाइस इसका आंसर क्या होने वाला दोस्तों, इसका आंसर जवाब दो जल्दी जल्दी बिना इफ बट क्यू, इट्स करेक्ट आंसर इज इक्विटास। गाइस अच्छा आपको हेडक्वार्टर पता ही होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था, ईएसएएफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, थ्रिसूर केरला, थ्रिसूर केरला, एयू जयपुर गाइस, और उज्जीवन बेंगलुरु, और इक्विटास गाइस इसका आपको जवाब देना है हेडक्वार्टर का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाइस वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा, सनाया, प्रीति, राकेश भाई और मधुरप्पन, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, एग्जैक्टली शुभम भाई, एग्जैक्टली जीए में करंट में थोड़ा अप एंड डाउन होता रहता है, इजी क्वेश्चन जो ज्यादा हाईलाइट होती है आप लोग आसानी से टैकल कर जाते हो, और जो थोड़ा घुमा के होता है अंदर से वो हम लोग उलझ जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये सोच के चलते हैं। और गाइस एग्जैक्टली चेन्नई, वेरी गुड, सुपर्ब। अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं गाइस, तो अगला क्वेश्चन रहा ये, हु हैज बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन T20 इंटरनेशनल्स, ब्रेकिंग MS धोनीज रिकॉर्ड। गाइस इनमें से मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन कौन रहा है जिसने MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया दोस्तों। एनीवन गाइस, कोई जवाब दे पाएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस जल्दी जल्दी। विराट कोहली, सिमोन कैटिस, या मशरेफ मोर्तजा, या असगर अफगान। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दो भैया, इनमें से जवाब दो कि इनमें से सबसे मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन कौन रहा है T20 में। गाइस T20 में, T20 की बात की जो MS धोनी को सक्सीड किया है, और गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज असगर अफगान। और आपको क्वेश्चन ये जवाब देना है, इसका आंसर ये देना है दोस्तों कि भैया ये किस कंट्री के हैं, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं गाइस, इसका जवाब देना आप लोगों ने। भैया विराट कोहली, गलत जा रहे हो सब लोग, असगर अफगान, ठीक है, याद रखिएगा असगर अफगान। इंडिया की बात नहीं की जा रही है भाई, इंडिया की बात तो कतई नहीं की जा रही है बच्चे, इंडिया की बात तो कतई नहीं की जा रही है। ये क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड का और आपको जवाब देना है भाई, असगर भाई कहां से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगला क्वेश्चन रहा ये, गाइस पाकिस्तान एंड चाइना विल होल्ड ज्वाइंट एक्सरसाइज पब्बी एंटी टेरर पब्बी एंटी टेरर 2021 विथ विच अदर कंट्री। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा, हम थोड़ा कुछ और पढ़ रहे थे, पब्बी एंटी टेरर हिंदी पढ़ने लगे थे, ठीक है। सो गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा कि पब्बी एंटी टेरर 2021 इनमें से पाकिस्तान और चाइना और इसके साथ और कौन सी कंट्री है जो ज्वाइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाली है। और गाइज आपको बता दें इसमें एससीओ के मेंबर होंगे, लेकिन एग्जैक्टली ओके गाइज इट्स करेक्ट आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इट्स करेक्ट आंसर इज इंडिया। दोस्तों इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है, याद रखना इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, इनका ज्वाइंट एक्सरसाइज होगा गाइज जिसका नाम है पब्बी एंटी टेरर 2021। सो गाइज आपको ये याद रखना है, रशिया होगा, ये रशिया नहीं होगा, एक बार चेक करना, इंडिया होगा जहां तक है। यही तो एक था जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों थे, इंडिया नहीं होगा श्योर। चलो भैया इस क्वेश्चन को स्टार बना लेते हैं हम लोग, एक बार ही चेक कर लेना दोस्तों, हम एक नोट डाउन कर ले रहे हैं, हम कल इसको डिस्कस कर लेंगे गाइस। पब्बी एंटी टेरर एससीओ मेंबर्स के साथ हो रहा है दोस्तों, याद रखना आप सभी लोग, एससीओ मेंबर्स के साथ हो रहा है, एससीओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को मूव करें गाइस, अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एफसीआई। गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा, आज गलत डे है, नीलम मैम एक बार, नीलम जरूरी है आप लोगों को पता होना चाहिए एक्चुअल कितनी औकात है, औकात ये गलत सेंस वाले मत लेना, ठीक है, बशर्ते ये उस सेंस में लेना, अच्छे सेंस में लेना कि मतलब कितना हम कर पा रहे हैं, ठीक है। सो गाइस फटाफट जवाब दीजिएगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी, यानी कि गाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया, एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गाइस। और इसका आंसर सबका सही आना चाहिए गाइस, कोई गलत नहीं देने वाला जवाब। और वेल डन मेरे दोस्तों, सुपर्ब, क्या बात है, लगे रहिए सब लोग, लगे रहिए। और गाइस दैट्स करेक्ट आंसर इज आतिश चंद्रा, वेरी गुड गाइस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, आतिश चंद्रा इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। राजगुरु क्वेश्चन सही है, आप चेक कर लेना एक बारी, इंडिया ही होगा। हाँ प्रियंका मैम आई नो, हमें पता है इंडिया ही होगा, बस अब आप लोग बोल रहे थे तो आप लोगों ने कंफ्यूज किया है, कोई नहीं, तो आपको याद करें इंडिया गाइज, याद करें ये इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। गाइज मुद्रा आप लोगों को पता होगा, मुद्रा गाइज, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, गाइज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। सो गाइज मुद्रा आपको जवाब देना है, मुद्रा में मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है। सो गाइज मैक्सिमम एंड मिनिमम 2015 का ये स्कीम था। और गाइज आपको बता दें किसकी सब्सिडरी है, तो आपको याद रखना सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो गाइज इसका जवाब दीजिएगा मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। सो दोस्तों मिनिमम कितना है, तो मैक्सिमम आपको यहां पे आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली गाइज इट्स करेक्ट आंसर इज 10 लाख रुपीज, जी हां दोस्तों। और मिनिमम कितना है गाइज, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट इन मुद्रा, मुद्रा लोन या मुद्रा स्कीम, मिनिमम कितना दे सकते हैं गाइज, एनी आइडिया किसी को। ये तो मैक्सिमम जवाब दे रहे हो आप सभी, जी हां जी हां जी हां भाई, एग्जैक्टली, वेरी गुड। दिलीप भाई बोले मिनिमम 10K, ओके। और कोई, और कोई किसी को आइडिया गाइज, याद किएगा मिनिमम होगा आपका 10,000 रुपए, मिनिमम 10,000 रुपए और गाइज मैक्सिमम इज 10 लाख रुपीज। सो गाइज ये याद रखना आप लोगों ने, मैक्सिमम लोन 10 लाख और मिनिमम 10,000 है गाइज। हम लोग कहते हैं ना इसमें है शिशु, किशोर एंड तरुण, ये तीन क्राइटेरिया है जिसके अंदर का लोन दिया जाता है। शिशु में कहा जाता है अप टू 50K, तो हम लोग 50,000 टिक कर देते हैं। जी हाँ, गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये गलत है। आपको याद रखना है मिनिमम 10,000 है एंड मैक्सिमम 10 लाख, यानी 10-10 दोनों याद रखिएगा, 10,000 और 10 लाख। अगला क्वेश्चन, द रीजनल रूरल बैंक वेयर फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ। गाइस, इनमें से किसके रिकमेंडेशन पे आरआरबी की स्थापना करवाई गई? गाइस, उर्जित आर पटेल की कमेटी के रिकमेंडेशन पे एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। गाइस, बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या लाया गया, ये भी आपको जवाब देना है। नरसिम्हन कमेटी, ये भी आपको जवाब देना है। गोरेवाला कमेटी के रिकमेंडेशन पे एसबीआई को लाया गया। एसबीआई गाइस, गोरेवाला कमेटी 1955, ठीक है। बी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को लाया गया दोस्तों 1982, ठीक है, याद रखिएगा। और बचा क्या आपका एम नरसिम्हन कमेटी, और इसी के रिकमेंडेशन पे 2 अक्टूबर 1975 में किसकी स्थापना करवाई गई? तो गाइस आपको याद रखना आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। गाइस, और आपको याद रखना है दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा आप सभी लोगों ने, आरआरबी एक्ट पास हुआ था गाइस कब? 1976 में। अगर आपसे पूछे जाए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट की आरआरबी पहले एस्टैब्लिश हुआ, देन उसके बाद एक्ट लाया गया, तो गाइस आपको एक ही जवाब देना है यहां पे मेरे भाई कि भैया उस समय इमरजेंसी लागू था और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आपको पता होना चाहिए। तो इमरजेंसी 75 में ही आया था दैट टाइम। सो गाइस, कहानी खत्म, इतना ही बोल के शांत हो जाना है। सो गाइस आपको याद करें, इट्स करेक्ट आंसर इज एम नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन पे आरआरबी की स्थापना करवाई गई 2 अक्टूबर 1975 में गाइस, और इसका एक्ट कब लाया गया था? 1976 में दोस्तों, ये याद रखना आप लोगों ने। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन रहा ये, क्या बात है अभी, अब ठीक है अगले क्वेश्चन को चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन रहा ये, एग्जैक्टली विवेक, Which among the following is or not supervised by the National Bank for Agriculture and Rural Development? दोस्तों जवाब दीजिएगा जल्दी गाइज। इनमें से कौन सी बॉडी क्या की जाती है गाइज? सुपरवाइज नहीं की जाती, नॉट लिखा है, नॉट किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। आपको बता दे दोस्तों, इनमें से कौन सी बॉडी सुपरवाइज नहीं की जाती? नाबार्ड के द्वारा। तो साथियों इसका जवाब दीजिएगा ताबड़तोड़ तरीके से, बोथ A and B, यानी कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑपरेटिव। फंस गए सब लोग। शाश्वती दास का जवाब आ रहा है ई, राहुल मंडल ई, ओके राहुल सर बोल रहे ऑल। गाइज मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, आप लोगों ने कहानी सुना होगा, हमको मेरा गांव कहाँ था? इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में था। मेरी बात सुनना, मेरा गांव इलाहाबाद के एक छोटे से गांव में था, हम इलाहाबाद में पढ़ रहे थे। क्या हुआ, मेरे को हायर एजुकेशन के लिए जाना था दिल्ली। दिल्ली में मेरे को कोई नहीं रहता था, बट मेरी बुआ रहती थी दिल्ली में, बुआ रहती थी। अब क्या किए, पापा ने बोला चले जाओ बुआ के यहाँ, और बुआ के यहाँ रहो और तैयारी करो। अब देखो मेरे को सुपरविजन का काम कौन करती थी? मेरी बुआ कर रही थी मेरी दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में मेरी बुआ मेरे को सुपरविजन का काम या सुपरवाइज का काम कर रही थी, यानी कि मेरा देख रेख कर रही थी मेरी बुआ, खाना पीना आना जाना कुछ गलत नहीं कर रहा ये सारा चीज। लेकिन दोस्तों मेरे को पैसा, हम मेट्रो से आते थे जाते थे, ठीक है, बर्गर खाते थे पिज्जा खाते थे किसी और के साथ, आप समझ सकते हो, ठीक है। सारी चीजें काल्पनिक है, पहली चीज सारी चीजें काल्पनिक है और सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अब गाइस पापा मेरे को पैसा भेजते थे। सो गाइस सेम एज इट इज यही चीज है आरआरबी के साथ। आरआरबी को सुपरवाइज कौन करता है आपको याद रखना है। आरआरबी को सुपरवाइज कौन करता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है नाबार्ड, ठीक है। और दोस्तों याद रखना इसको पैसा देने का काम कौन करता है, यहां पे पापा का रोल प्ले करता है स्टेट गवर्नमेंट। कौन? स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना। किसको, सॉरी आरआरबी कर रहे हैं, नॉट आरआरबी यार, इस कोऑपरेटिव बैंक। गाइस कोऑपरेटिव बैंक को सुपरवाइज का काम कौन करता है, तो नाबार्ड, और पैसा देने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सो गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई, ऑल आर सुपरवाइज्ड बाय नाबार्ड। सो गाइस आई होप कि आपको कभी नहीं भूलेगा ये चीज, अब आपको याद रहना चाहिए। कुकिंग शॉकिंग सर आपको बता दें, आप डालना वैभव श्रीवास्तव, ठीक है, वैभव सर डालोगे तो आपको दिख जाएगा कुछ चीजें, कुछ बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी सर, आप डालना वैभव श्रीवास्तव, आपको सारी चीजें आ जाएंगी वहां पे, ठीक है, यूट्यूब पर। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। नहीं नहीं नीलम मैम, सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। आर्यन सर आप हाँ तो बुआ, दादा सर बुआ तो कोलकाता में रहती है, अभी बात करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the initial share capital of Reserve Bank of India at the time of its establishment in 1935? Guys, और दोस्तों एक चीज और याद रखिएगा आप सभी लोग, जिनको दोस्तों बता दें, जिनको महापैक या फिर कोई बेसिक से तैयारी करनी है वो महापैक परचेस कर सकता है अड्डा के वेबसाइट पर जाके गाइज, ठीक है, वेबसाइट पे जाके। और दोस्तों एक चीज और याद रखें, या तो आप अड्डा के ऐप पर जाके Y307 लगा के कोड परचेस कर सकते हो। और आज में, ठीक है, आज में दोस्तों आपको बता दें, आज में वही अभी तक वैलिडिटी चल रही है कि अगर आप 6 महीने का लेते हो तो 6 महीने एक्स्ट्रा है। और भैया यहाँ पे सबके जवाब आ रहा है, एग्जैक्टली गाइस दैट्स करेक्ट आंसर इज 5 करोड़। 1935 में 1 अप्रैल 1935 में जब RBI आया था दोस्तों, तो RBI कितना रुपए लेके आया था? 5 करोड़ रुपए। गाइज ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है गाइज, ये हमेशा कहीं ना कहीं अगर किसी से डिबेट करते हैं अपन तो अभी ये क्वेश्चन आता है, या फिर गाइज हम लोग बात करते हैं, कोई डिस्कस करता है तो बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। सो गाइज 5 करोड़ रुपीज, ओके। Next question, which among the following is not correctly matched regarding the new series of banknote issued by the RBI? So guys इसका जवाब दीजिएगा ताबड़तोड़ तरीके से, फटाफट जल्दी जल्दी जवाब दे दो, एकदम से इजी क्वेश्चन है यार, मजेदार क्वेश्चन, इससे इजी कहाँ लोगे? ठीक है, फटाफट जवाब दीजिएगा। एग्जैक्टली विवेक, आज इससे भी ज्यादा पेनाल्टी लग जाती है। एलोन बोल रहे हैं मस्ट मस्ट इंपॉर्टेंट, पापी पेट का सवाल है एलोन भाई, आप नहीं समझोगे। फटाफट जवाब दीजिएगा इसका। अच्छा कमेंट मारने से पीछे नहीं रहते, कूटे जाओगे तुम, ठीक है, डी, ओके। गाइस करेक्ट आंसर इज रेडफोर्ट 2000 रुपी। एग्जैक्टली दोस्तों 2000 रुपए के नोट पर क्या है? मंगलयान, मंगलयान गाइज आपको याद रखना है। और रेड फोर्ट किसके ऊपर है? 500 रुपए पर। दोस्तों याद रखना 500 रुपए पे रेड फोर्ट है और 2000 पर मंगलयान है, ये याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं। व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल नाउ अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना? गाइज प्रधानमंत्री जनधन योजना, गाइज इसका जवाब दीजिएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा गाइस। जनधन योजना दोस्तों याद रखना पीएम मोदी का सबसे पहला स्कीम था 2014 में, ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं, फटाफट जवाब दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। जनधन योजना में कितने का गाइस? पहले था ये 5000 रुपए, तब मिलेगा जब आप 180 दिनों से अकाउंट को अच्छे से कैरी कर लेते हो। जनधन योजना आपको पता ही है, अकाउंट जब आप 180 यानी कि 6 महीने आप उस अकाउंट को अच्छे से कैरी कर लोगे तब आपको 5000 मिलता। अब इसी लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 10,000 रुपए। सो गाइज आपको याद रखना टोटल, पहले 1,30,000 का इंश्योरेंस हुआ करता था, अब ये बढ़ा के कितना कर दिया? 2,30,000 का गाइस। मरने के बाद 30,000 और मुंह हाथ दांत तोड़ने के लिए 2 लाख रुपए, ये इंश्योरेंस का है गाइस इसमें, ठीक है, याद रखिएगा। सुधीर सर गोरखपुर में ये लॉन्च नहीं किया गया था, ये लाल किला से अनाउंस किया गया था सुधीर भाई, 28 अगस्त। एग्जैक्टली 15 अगस्त को अनाउंस हुआ था, 28 अगस्त से फॉलो होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the maximum age limit till one can enroll for the प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? गाइज इसका जवाब दीजिएगा आप सभी लोग, जल्दी जल्दी भैया जवाब दो। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पंजाब नेशनल बैंक ने टॉप किया था, इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ था रोहन भाई। फटाफट जवाब दीजिएगा इस। सुरक्षा बीमा योजना मैक्सिमम एज लिमिट क्या है एंड व्हाट इज द मिनिमम। 18 मिनिमम सब जगह 18 है, यहां भी है और यहां भी 18 है, यहां भी 18 है और यहां पे कितना 100 सुरक्षा बीमा जीवन ज्योति। इट्स करेक्ट आंसर गाइस, याद करना सुरक्षा बीमा में 70 साल है और जीवन ज्योति में कितना है गाइस, जीवन ज्योति में कितना था, जीवन ज्योति में कितना था मेरे भैया, फटाफट जवाब दो मैक्सिमम एज लिमिट। आप लोग बताओ इतना इजी क्वेश्चन गड़बड़ करके आ रहे हो, बताओ इतना हलवा टाइप क्वेश्चन यार। आप लोग इनमें से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्होंने एनरोलमेंट करा रखा होगा। एग्जैक्टली गाइस 70 ईयर्स, याद रखना। सुरक्षा बीमा, सुरक्षा बीमा की बात करें इसमें प्रीमियम कितना है तो 12 रुपए पर एनम और जीवन ज्योति बीमा योजना में प्रीमियम कितना है 330 रुपए पर एनम। सो गाइस ये याद रखना आप लोगों ने। इसको ज्वाइन करने का एज क्या है, सुरक्षा बीमा को 70 साल और इसको 18 से 50 साल 80 to 50 ईयर्स गाइज, ये याद रखना आप लोगों ने। और अटल पेंशन श्रावणी अटल पेंशन योजना को 18 से 40 साल बेटा, याद रखना अटल पेंशन योजना को 18 से 40 साल ज्वाइन करने का एज है। आप लोग गलत मत जाओ, याद रखिएगा। सुन लो, सुरक्षा जिसमें पार्सली डैमेज होने पर पैसा मिलता, गाइस जिसमें पार्सली डैमेज होने पर पैसा मिलता उसका एज ज्यादा है 70 साल और जिसमें मरने के बाद यानी कि जीवन की ज्योति जल रही है, ज्योति बुझ गई, ज्योति किसी और के साथ फुर, तब आपको बता दें तब उसके लिए आपको 18 से 50 साल यानी एज भी कम है उसका और प्रीमियम भी ज्यादा है। ऐसे याद करना, जिसका प्रीमियम ज्यादा उसका एज कम और जिसका एज कम सॉरी एज ज्यादा उसका प्रीमियम कम। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझना, ऐसे समझना ठीक है। जिसका एज कम माइनस है उसका प्रीमियम क्या होगा, ज्यादा होगा और गाइस जिसका एज ज्यादा होगा उसका प्रीमियम क्या होगा, कम होगा। देखो अब देखो, सुरक्षा बीमा की बात की गई, सुरक्षा बीमा योजना की बात की गई मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको याद कर सुरक्षा बीमा तो बेटू याद करें इसका प्रीमियम कम है 12 रुपए है तो भैया इसका एज क्या होगा 70 साल होगा मैक्सिमम, मिनिमम तो 18 साल है। और जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें मेरे भाई तो इसका क्या है, इसका प्रीमियम ज्यादा है ना 330 रुपए है तो भैया इसका एज क्या होगा, कम होगा 50 साल होगा। कहानी खत्म, यही सिमट गया पूरा का पूरा। हाँ मतलब ज्योति फुर मतलब अभी कोई बुरा मत माना, ज्योति यहां पे होगी, ज्योति मतलब ज्योति बुझ गई परमानेंटली खत्म, तब की बात कर रहे हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन लो भैया जवाब दो, व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आ गया प्रमोद, कूटे जाओगे तुम, शैतानी नहीं ठीक है। व्हाट इज द एनुअल प्रीमियम अमाउंट अंडर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, फटाफट जवाब दो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुपर। ग्रेट। अब देखो, अब इसका मैक्सिमम एज क्या है, इसका मैक्सिमम एज क्या है दोस्तों, मिनिमम तो आप सभी को पता है, मिनिमम आप सभी को पता है 18 साल एंड व्हाट इज द मैक्सिमम, एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज 330। आप देखो सबका आंसर करेक्ट आएगा, ग्रेट गाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, क्या बात है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, वेरी गुड गाइस, ये माता है। अब ऐसे आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम आपको बता दें गाइज एक चीज और याद रखना, आप सभी को बोल रहे हैं कि डबल वैलिडिटी दोस्तों याद रखना, डबल वैलिडिटी 78 कर लो, ऑफ है ऐप, अगर ऐप के थ्रू जाते हो क्वाइन को लेस करने के बाद। और दोस्तों आपको कोड याद रखना Y307 गाइज, ये बार बार बोल रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से मिलेंगे गाइज कल में, कल शाम में इसी के और सेशन को और मूव आगे करेंगे और गाइज कोशिश करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस ले आने की ताकि आपका सारा यहां से मॉक के थ्रू कवर हो जाए। SBI का अगर एग्जाम पड़ता है तो आई थिंक आपके लिए यूजफुल हो, बहुत बेनिफिशियल हो, ठीक है गाइज। सो हम फिर से मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और गाइज आप सभी प्लीज सेशन को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोगों ने गाइज, और बहुत कम लोग आ रहे हैं अब मे भी सबका प्री हो तो इसलिए जो लोग ज़्यादा प्री को फोकस करते हैं मेंस को नहीं, और ये वैसे भी मेंस में आता है। तो गाइस हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखना, कल शाम में 6 बजे लाइव आना ना भूलना, ठीक है, डेली 6 PM पर गाइस, डेली 6 PM पर, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।